जब हम FSC के अंदर पढ़ते थे ना, तो हमारी क्लासेस थी कि मैं फर्स्ट ईयर में था, तो मेरे को सीनियर थे सेकंड ईयर में होते थे, तो उनमें से एक सीनियर जो था ना वो बहुत मेहनती था और बड़ा एडमायर किया करते थे, और हम उसे आइडलाइज करते थे कि हमने भी इसी तरह के नोट्स बनाया करने हैं। तो वो सारा सारा दिन बैठ के ना बहुत ही खूबसूरत नोट्स बनाया करते थे, और घर भी जब वो जाते होते तो बताते होते कि आज मैंने इतने घंटे पढ़ लिया, आज मैंने इतने घंटे पढ़ लिया। और हम सब कहते होते थे कि यार इनका तो ज़रूर जो है ना शॉर्ट शॉर्ट एडमिशन हो जाएगा मेडिकल स्कूल के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हनान और बाय प्रोफेशन मैं एक डॉक्टर हूँ। अच्छा, अगर हम कभी किसी नॉर्दर्न एरिया में जाते हैं तो हमारे पास यूजली ना एक मैप होता है, अगर हमने कहीं पहाड़ों के अंदर घूमना फिरना हो। तो जब भी हमने किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना हो तो मैप बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हमें पता चल जाए कि हमने यहाँ पहुँचना है। लेकिन इमेजिन करें कि आपको बीच पहाड़ों के दरमियान छोड़ दिया गया और अब आपको कह रहे हैं कि आप ढूंढे जगह खुद से, तो आप अपनी मेमोरी को जॉग कर रहे हों लेकिन जो है ना आपको याद ना आ रहा हो कि मैंने किस तरह, क्योंकि आप तो मैप पे रिलाई करते हैं। सो यही होता है एग्ज़ाम के दौरान कि अगर हमारे पास सामने हमारी बुक जिससे हम पढ़ते होते हैं वो हमारे पास नहीं होती, तो वो ऐसे ही है कि हमारे से किसी ने हमारा मैप ले लिया। एक कज़न थे जो कि मेरे सीनियर के दोस्त थे, वो बहुत अच्छे दोस्त थे, तो मैंने एक दफ़ा अपनी परेशानी उससे उनसे शेयर की। मैंने कहा देखें इतनी उस बंदे ने मेहनत की और फिर भी एडमिशन नहीं हुआ, तो हम कैसे मतलब शो शॉर्ट हो सकते हैं कि हमारा भी एडमिशन हो जाएगा। कज़न ने मुझे बताया कि जब उस दोस्त उसका जब नोट्स बना रहा होता था, वो क्या करता था कि सामने बुक खोल लेता था या जो से उसने नोट्स उस दिन के निकालने हुए थे उनको सामने रखता था, फिर उनसे वो कॉपी और पेस्ट करना शुरू कर देता था। मुख्तलिफ पेंसिल यूज़ करता था, बड़े खूबसूरत से कलर्स यूज़ करता था, और वो सारे के सारे नोट्स बनाता रहता था। और वो अपनी मेमोरी से ना कोई भी चीज़ एज सच उस तरह याद नहीं करता था, जस्ट नोटबुक से रीड कर लेता था। फिर जब वो उनको नोट्स को बना लेता था, फिर वो दोबारा उन्हीं नोट्स को ना दोबारा पढ़ना शुरू कर देता था। एक दफ़ा पढ़ता था, दो दफ़ा पढ़ता था, और फिर वो उनको रख देता था। नेक्स्ट डे जो नेक्स्ट लेक्चर होता था उसके अंदर भी वो दोबारा सेम यही काम करता था। मुझे ये वाली मिस्टेक पता चली ना, तो मैंने सोचा कि मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी के अंदर ना बुक खोल के नोट्स नहीं बनाने। तो जब भी मैंने अपनी ज़िंदगी में नोट्स बनाए ना, मैंने कोशिश यही किया कि मैं एक दफ़ा चीज़ को पढ़ लूँ और उसके बाद फिर उसको नोट्स बनाऊँ, और फिर अगर कोई मिस्टेक्स होती थी तो मैं उसके बाद दोबारा जाता था और दोबारा उन नोट्स को देख लेता। सबसे पहला स्टेप तो यह है कि आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। उस अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको शायद रीडिंग करनी पड़े और शायद एक दफ़ा री रीडिंग भी करनी पड़े, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है ना वो होता है कि आपने मेमोराइज करना। अगर आपने एक चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया लेकिन आप उसे मेमोराइज नहीं किया ना, या उसको याद करने की कोशिश नहीं किया, तो आपके ब्रेन के दरमियान जो लिंक्स बने ना वो बहुत ही वीक बनने, और फिर जब एग्जाम के टाइम आना है ना तो वो लिंक्स आपसे रिप्रोड्यूस नहीं होने, तो इस तरह जो है ना आपकी लर्निंग जो है ना वो इनफेक्टिव रह जाएगी। दूसरा तरीका यह है कि आप सिर्फ और सिर्फ जो है ना जल्दी से रट्टा लगाने की कोशिश करें, आप चीज़ों को समझे ना, तो उसको फिर आप रूट मेमोराइजेशन कहते थे। और ये दोनों जो है मेमोराइजेशन और अंडरस्टैंडिंग, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। पहले अंडरस्टैंड करना है चीज़ों को और उसके बाद फिर मेमोराइज करना है, दोनों चीज़ें जो है ना आपको चाहिए। और मेमोराइज करने से क्या होगा कि आपके दिमाग के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग होगी ना वो सॉलिडिफाई हो जाएगी, हमारे ब्रेन के अंदर एक पाथ बन रहा होगा, बार बार प्रैक्टिस करने से, बार बार उसको याद करने से ना वो पाथ और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो जब आपने उसे नेक्स्ट टाइम एग्जाम में रिप्रोड्यूस करना होता है तो ये ऐसे ही है जैसे एक पाथ पे आप चल रहे हो, तो पाथ पे अगर पक्की सड़क बनी होगी तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियाँ उगी होंगी तो उस पर आपको चलना थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा। एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप मुश्किल तरीके से जाते हैं, आपने स्पीड से जो है ना उस रोड पे चलने की कोशिश करनी। अगर सिर्फ सिर्फ आपने बुक खोली हुई है और उसके बाद जो है ना आप फिर अपने नोट्स बना रहे हैं, खूबसूरत से नोट्स बना रहे हैं और लाइंस लगा रहे हैं और मुख्तलिफ मार्कर्स यूज़ कर रहे हैं, तो ये इसी तरह यह है कि आपने बहुत ज़्यादा जो है ना खूबसूरत सी ईंट लगाई है। ईंट भी बहुत खूबसूरत थी, उसको लगाने का तरीका भी बहुत खूबसूरत था, लेकिन अगर आपने एक्टिव रिकॉल नहीं किया ना तो इसी तरह यह कि आप भूल गए हैं कि आपने दरमियान में सीमट लगानी थी। अब आपने बहुत ही खूबसूरत दीवार तो बना दी है, लेकिन क्या हुआ कि आप सीमट लगाना भूल गए, और जब आप सीमट लगाना भूल गए तो तेज़ हवा आएगी और वो आपकी सारी की सारी ईंटों को गिरा देगी। तो बजाय इसके कि आप खूबसूरत सी ईंटें लगाएं, एटलीस्ट सीमट ज़रूर लगाएं। वो सीमट क्या है? वो एक्टिव रिकॉल का सीमट है। द नोट्स बनाने के जो हम अगर बुक से बात करें तो एक तो सबसे पहले मसला ये आ गया है कि वो एक पैसिव लर्निंग है। दूसरा ये कि आप जब बुक से देख रहे होंगे नोट्स बनाने, तो फिर आपको दिल करेगा आप हर सेंटेंस कॉपी करें, और जब आप हर सेंटेंस कॉपी करने की कोशिश करें होंगे तो फिर आपका दिल, आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और आपका टाइम जब ज़्यादा लग रहा होगा तो आप और फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे। पैसिव रिव्यू इसीलिए हो रहा है कि आपने बुक सामने रखी है और आप हर हर लाइन को ही लिख रहे हैं, तो क्या फ़ायदा आपके नोट्स बनाने के? तो बजाय इसके कि आप हर लाइन को कॉपी करें, आप जस्ट जस्ट बुक बंद किया तो आपने जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है उसको लिखना शुरू कर दें कि ये की पॉइंट था, ये की पॉइंट था, ये पॉइंट था, और उनको आपस में जोड़ के देखें कि आपस में उनका क्या रिलेशनशिप है। इस तरह आपकी जो है लर्निंग जो है ना वो एक्टिव रिकॉल करने की वजह से ना बेहतर हो जाएगी।
कोशिश करें कि एक जो कम्प्लेक्स सी बात है उसको किसी डायग्राम से समझाने की कोशिश करें, और एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं मेटाफोर, एक चीज़ को समझाने की कोशिश करें एक दूसरी चीज़ से जो आपको ऑलरेडी ब्रेन को पता हो। जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को देखें कि वो किस तरह घूम रहे होते हैं, तो अपने जहन में लाएं कि इलेक्ट्रॉन बेसिकली बॉल्स हैं जो कि एक और बड़ी बॉल के इर्द गिर्द घूम रही हैं, और वो घूमते घूमते एनर्जी दे रही हैं। तो इस तरह करके अपने दिमाग में मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स क्रिएट करें, इस तरह आपका टाइम भी कम लगेगा और जब आप नोट्स बना रहे होंगे तो आपकी रिविजन करने के लिए भी ईजी रहेगा। दूसरा, जब आपने नोट्स बना लिया ना, तो एट द एंड जो सा भी आपने टॉपिक पढ़ा उसकी एक वन सेंटेंस समरी लिखे। उस वन सेंटेंस समरी से क्या होगा कि जब एग्जाम के टाइम आपको बहुत ज़्यादा क्विकली चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत फील हो रही होगी, तो उस टाइम आप क्विकली से वो एक सेंटेंस पढ़ेंगे और जो है ना आपकी वो चीज़ रिव्यू हो जाएगी। लेक्चर मिल रहा हो तो हमारा दिल करता है कि हम हर बात जो टीचर ने पढ़ाई हुई है वो हम लिखना शुरू करते हैं, तो इसके बजाय जस्ट होल्ड बैक। जैसे कोई टीचर कोई बात बताए, अगर तो इंपॉर्टेंट बात है तो उसको कॉपी करें, अगर आपको इंपॉर्टेंट बात नहीं लग रही है, आप जस्ट अंडरस्टैंड करते जा रहे हो, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह ये होगा कि आप बेसिकली वो जो लेक्चर टीचर पढ़ा रहे हैं ना उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ना कि आपने सोचना होगा कि आज ये पूरा सफ़ा में ले आया, उसको मैंने पूरा का पूरा भर देना है। जब भी आपको टाइम मिलेगा, अब टीचर जो है ना उसने एक बात बता दी लेकिन वो बात आपको समझ नहीं आई, तो अब बजाय इसके कि आप साथ वाले से पूछें ताकि एक टीचर भी आपसे नाराज़ हो और जो है जो टीचर उस टाइम जो बात समझा रहे हैं वो भी कोई मसला करते, तो उसको बजाय साथ एक जल्दी से एक क्वेश्चन मार्क लिख दें कि ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई, बाद में अपने फ्रेंड से डिस्कस करें या घर जाके उस चीज़ को आप डिस्कस कर सकते हैं कि यार ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी लेकिन मैं समझ नहीं सका ये क्या चीज़ है, तो उसको क्वेश्चन मार्क जो है ना वो आपको इंडिकेट करेगा अब आपने इस चीज़ पर तवज्जो देनी। वो जो डिफ़िकल्ट चीज़ें होती हैं ना वो एक दफ़ा समझ ली जाए ना तो आगे लाइफ लॉन्ग जो है ना आपको बड़ा ज़्यादा बेनिफिट देती हैं, बजाय इसके कि अगर आप उस चीज़ को स्किप कर दें, क्योंकि मेडिसिन के अंदर एक चीज़ तो है कि चीज़ों ने बार बार रिपीट होते रहना है, आपके एंड ऑफ द रेजिडेंसी भी और इवन आपकी ड्यूरिंग प्रैक्टिस टाइम भी वो चीज़ें बार बार आपके ऊपर आती है, तो एक दफ़ा अच्छा कॉन्सेप्ट बन जाएगा उसके बाद अच्छी तरह आपकी चीज़ें जहन में बैठ जाएंगी तो आप हमेशा उसे मेमरी से निकाल सकेंगे। और अगर मैं नोट्स बना रहा हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कॉर्नल नोट्स टेकिंग सिस्टम से नोट्स बनाऊँ, उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त बात है कि आप साइड पर क्वेश्चन भी लिखते हैं और एंड के ऊपर आप समरी भी लिखते हैं, कि थोड़ा सा एक थोड़ा समझ लें कॉम्प्लेक्स तरीका है नोट्स बनाने का लेकिन ये बहुत इफेक्टिव है। अब कॉर्नल नोट्स चेकिंग सिस्टम पे मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका मैं लिंक इधर ही दे दूंगा, आप इस वीडियो को देख सकते हो और आप देख सकते हो कि कॉर्नल नोट चेकिंग सिस्टम से आप किस तरह मोर इफेक्टिवली जो है अपने नोट्स बना सकते हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।